आदाब दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान दहलवी और एक चीज़ करवाते हैं, पर मैं खड़ा हुआ अपने वहाँ। ये एक लोकेलिटी है दक्षिणी दिल्ली में, जिसे चिराग दिल्ली के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इस तरीके से तभी तकरीबन पहले चार दरवाजे हुआ करते थे और जिनमें से अभी तीन बाकी हैं और उनमें से एक बचा हुआ है। मैं बचपन में अक्सर मैं यहाँ से कई दफ़ा यहाँ से गुजरा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ आस पास ही गुजरा। तो अभी फ़िलहाल इसको जो सरकारी महकमा है दिल्ली से जुड़े हुए, जैसे इंटेक वगैरह, उन्होंने इसको काफ़ी रेस्टोर वगैरह किया। तो अभी ऐसा करते हैं कि मैं आपको तड़का ले चलता हूँ। तो पता है, पहले मतलब हम यहाँ बचपन में आते थे, तो अभी तो इन्होंने ये बहुत इसको बहुत सारे रंग यहाँ लगा दिए। एक वक्त था जब यहाँ ना बड़ा हल्का सा रंग होता था, हरे रंग का, और आँखों को बड़ा भाता था वो रंग, बड़ा सुकून वाला। अभी यहाँ नीचे इन्होंने पत्थर बिछा दिए ना सफ़ेद। एक टाइम था जब यहाँ जो है वो कच्चा हुआ करता था, घास हुआ करती थी, और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ भी कच्चा हुआ करता था। यहाँ मोर के बच्चे हुआ करते थे, बकरी के बच्चे जो है कुलाचे भरा करते थे, और वहाँ सामने की तरफ जो है बहुत बड़ा सा दरख्त हुआ करता था, जो पूरा ये ढक लिया करता था, ये पूरा का पूरा आंगन जो है। ठीक जब हम लोग एंटर करते हैं यहाँ से, तो वहाँ एक बड़ा सा दरख्त है, उसे खिरनी का पेड़ बोलते हैं। बहुत मीठी खिरनियाँ लगती हैं, और उमूमन खिरनी का जो पेड़ है वो किसी ना किसी सूफ़ी किसी बुज़ुर्ग दरवेश के आस्ताने पर ही मिलता है, उमूमन जो मैंने देखा है। बाकी जगह भी मिलते होंगे, पर इस पेड़ की खासियत यह है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पेड़ उतना ही पुराना है। मतलब इस दरख्त ने वो वक्त देखा है जब ख्वाजा साहब मौजूद थे यहाँ पर। तो अभी वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर, पर हाँ सुकून पहले जैसा ही बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जगहों के मुकाबले ये जगह थोड़ी बेहतर लगती है मुझे।
जब बंदा ना अपने रब की खौफ से और ना कुछ पाने की चाहत से जब अपने खालिक की इबादत करता है, मेरी नज़रों में वही सूफ़ी होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे दुनिया अगर हाथ से निकल जाती है तो बंदा गरीब हो जाता है, दुनिया अगर दिल से निकल जाती है तो बंदा वली हो जाता है। तो आज मैं जहाँ हूँ, जहाँ बैठा हुआ हूँ जिस आंगन में, वो हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग़े दहलवी का आंगन है। और ये जो पूरी जगह है दक्षिणी दिल्ली, ये उन्हीं के नाम से, चिराग दिल्ली जो लोकेलिटी है, ये उनके नाम से जो है काफ़ी खासा मशहूर रही है। तो चिराग़े दहलवी के बारे में मैं क्या कहूँ, नसीरुद्दीन महमूद चिराग़े दहलवी, मतलब उनकी शान में कुछ कहना मतलब जैसे आफ्ताब को नूर दिखाने जैसा है। आप तकरीबन 8-9 साल के रहे होंगे जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया, तो मैंने एक चीज़ बड़ी गौर की है कि जो ये जो सूफ़ी रहे हैं, बड़े बड़े सूफ़ी रहे हैं, उनके बचपन में ही वो लोग यतीम हो गए। और दुनिया की ठोकरों से, ये ऐसा है जैसे साहिल पर पड़ा हुआ जो पत्थर होता है, वो लहरें उसकी परवरिश करती हैं, तो वक्त और हादसे जो हैं इनकी परवरिश करते आए। और जो आज हम इन्हें जानते हैं, आज जो हम इन्हें पहचानते हैं, वो इनकी ज़िंदगी में हुए हादसों की बदौलत, जो वक्त इन्होंने गुजारा है उनकी बदौलत है। आप जब 40 बरस के हुए तो अयोध्या से, जहाँ की पैदाइश हुई थी, वहाँ से दिल्ली तशरीफ़ ले आए। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि इन्हें अपने पीर की तलाश थी, पर असल में पीर को अपनी जो है वो शिष्य की तलाश होती है। तो ये यहाँ आए और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हो गए। तो ये कहा जाता है कि जो इनका मिजाज है वो बाकी सभी शागिर्दों से बिल्कुल अलग था। जहाँ हज़रत अमीर खुसरो तूतिए हिंद वो कलाम लिखा करते थे, कव्वालियाँ सुना करते थे, वहीं हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग़े दहलवी जो हैं वो बड़े तनहाई पसंद थे, मतलब उन्हें खिलवत में रहना ज़्यादा पसंद था। मुझे नहीं पता कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग़े दहलवी में क्या देखा और उन्हें अपना खलीफा अव्वल मुकर्रर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे उनके शागिर्द थे जिनको वो बना सकते थे। वो कहा करते थे कि ऐ तुर्क हज़रत अमीर खुसरो के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे अपना खलीफा अव्वल मुकर्रर करूँ, पर खुदा ने नसीरुद्दीन महमूद को चुना। हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग़े दहलवी वो यहाँ आए जहाँ हम बैठे हुए और यहाँ अपनी खानकाह जो है वो चलाने लगे। आपके मुरीदों में बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े लोग शामिल, जिनमें शाह तुगलक का नाम खासा मशहूर है। और शाह तुगलक जो सुल्तान बने, उनको सुल्तानी जो उन्होंने कबूल की, उसमें कहीं ना कहीं हाथ जो है वो हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग़े दहलवी का, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के मनाने पर
आपने दिल्ली का तख्त जो है उस पर बिराजे थे। एक हादसा आपकी ज़िंदगी में गुजरा था, एक कोई साहब थे जिनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो यहाँ दोपहर के वक्त जब कोई नहीं था तो वो साहब जो है वो ख्वाजा साहब थे महमूद चिराग़ी की कहने में घुस आए और उन्होंने एक खंजर से जो है उनको कत्ल करना चाहा। अब जब वो खून बाहर आया तब निकलते हुजरे थे तो उनके जो खादिम थे और जितने भी उनके शिष्य थे उन लोगों ने देखा और फौरन जो है वो उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया। उस ज़माने के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कहा था कि वो उस शख्स को सूली पर चढ़ा देंगे, पर हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग़ी दहलवी इतने रहम दिल इंसान थे कि उन्होंने ये जो सुल्तान की कवायद थी उसको नामंजूर कर दिया, अपनी तरफ से कुछ पैसे कुछ सिक्के जो है उस इंसान को दिए और दिल्ली सल्तनत की सरहद से बाहर उसको भिजवा दिया। तकरीबन 1355 या 57 के दरमियाँ जो है आपका इंतकाल हो गया। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई नहीं आ सकता, यहाँ से बुलावा आता है तब लोग यहाँ आते हैं, यहाँ कव्वालियाँ नहीं होती, यहाँ समा नहीं होती। ये एक अलग सुकून वाली जगह है, मतलब अगर किसी को सुकून की तलाश है तो यहाँ चला है। अक्सर जो हम बेचैन होते हैं तो कुछ सवाल हमें परेशान किए रहते हैं, असल बात तो ये है कि उन सवालों के जवाब पहले से हमारे दिल में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। जब यहाँ बैठते हैं तो बस वो सवाल साफ़ हो जाते हैं, उनके जवाब साफ़ हो जाते हैं। ऐसी ही है ये जगह, यहाँ का इतिहास, यहाँ की कहानियाँ, कहने को बहुत सारी, बहुत बड़ा इतिहास है, पर ज़िंदगी की असल हकीकत यही किसी कोने में बैठ कर पता चलती है। ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर मैंने आदित्य पाठक साहब के लिए इसको बनवाया है और बहुत सारी दुआएं उनके लिए, उनके चाहने वालों के लिए। जैसे सुकून से ज़्यादा तो नायाब कुछ है नहीं इस दुनिया में, पर जैसे ख्वाजा ये कहा जाता है कि ख्वाजा साहब जो है वो तख्त था यहाँ पर जिस पर बैठा करते थे, और शायद बंगाल से किसी इनके चाहने वाले ने इनके लिए भेजा था। ये तख्त जो है एक ही दरख्त से काट कर जो है वो बनाया गया था और हम तो बचपन से उसको देखते आ रहे हैं। सो ये है वो दरख्त से बना हुआ सिंगल दरख्त का बना हुआ ये हुआ लेकिन इसमें कोई जोड़ नहीं है, ये पूरा एक दरख्त हुआ करता था। तो जैसे यहाँ अभी ये जो कब्रें हैं देख रहे हैं इन पे सफ़ेद सफ़ेद इन्होंने इसको कर दिया, ये लाल बलुआ पत्थर की हुआ करती थी, हाल ही तक जो है ये लाल बलुआ पत्थर की है। और ये कब्रें मुझे बड़ी फैसिनेट करती हैं बचपन से लेके आज तक, क्योंकि इनके बारे में लिखा नहीं गया, इनके बारे में कहा नहीं गया कौन है, कौन दफन है, सुल्तानों के ख़ानदान से, बादशाहों के ख़ानदान से, फ़कीर फ़ुक़रा,
उसी तरीके से मैंने ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की एक कहानी पढ़ी थी जो उन्होंने लिखी थी कि बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं हुजूर बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के जो बड़े बेटे हैं उनकी बेटी जो है वो 1857 के बाद जब लाल किला वीरान हो गया और शाही ख़ानदान के लोग वहाँ से निकल निकल कर भागने लगे तो वो बेचारी भी जो है वहाँ से निकली थी और ना जाने दर बदर कहाँ कहाँ की ठोकरें उन्होंने खाई। तो ये कहा जाता है कि उनकी भी जो कब्र है मतलब वो यही बहुत सारी अनजान कब्रों में से कोई एक है। तो अक्सर जब मैं ये कहता हूँ कि कोई एक शिकस्ता कब्र जिसमें कोई शहज़ादी का क़यामत तक के लिए सो रही है तो मैं उस शहज़ादी का तसव्वुर कर लेता हूँ। तो ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने तो बड़ा दर्दनाक वाक्या जो है उसमें लिखा है कि बरसात की रात है और ठंड पड़ रही है और जो शहज़ादी है उसके पास कंबल तक भी नहीं है और उसी हालात में जो है वो अपने अब्बा को पुकार रही हैं। ये कहा जाता है कि उनके बाबा की मतलब जो उनके जो दारा हैं बहादुर शाह ज़फ़र के बड़े बड़े बेटे बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उनकी भी कब्र यहाँ मौजूद है तो अपने अब्बा की कब्र पर लिपट लिपट कर रो रही हैं और उन्हें पुकार रही हैं। तो ये बड़ा एक अवमना बड़ा एक वाक्य है अगर इसको पढ़ा जाए। बाकी इसके अलावा जो है जैसे ये वाला जो एरिया है अगर इसको हम देखें तो इसको जो है वो मजलिस खाने के तौर पर जो है इसका इस्तेमाल हुआ करता था महफिल खाना या मजलिस खाना जो कह लें। अभी इसकी छत पर हम लोग पहले चले जाते थे बचपन में पर अभी ऊपर किसी ने जो है इस पर काफ़ी कब्ज़ा वगैरह कर लिया है और अभी इसको बंद भी कर दिया गया है। तो ये जो चिरागली दरगाह है मतलब कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास यहाँ बताने के लिए पर बाखुदा यकीन माने अल्फाज नहीं मेरे पास वो अल्फाजों के जुगनू नहीं हैं कि मैं इस जगह का तसव्वुर आप तक पहुँचा पाऊँ। आप ये लगा लें कि 22 ख्वाजाओं की चौखट कहा जाता है दिल्ली को और जिस 22 ख्वाजाओं के लिए अलग अलग लोगों ने बातें कही हैं कि क्यों कहा जाता है 22 ख्वाजा की चौखट। एक बात ये भी है कि ये 22वें ख्वाजा हैं चिश्तिया सिलसिले में बड़े बुज़ुर्ग हैं बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं इसलिए इसको दिल्ली को 22 ख्वाजाओं की चौखट भी कहा जाता है। बाकी लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज भी हैं उसमें। हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग़ दहलवी जो है वो इतना ज़्यादा तन्हाई पसंद इंसान रहे हैं कि अक्सर जो है सुल्तान जब भी उनसे मिलने के लिए आते थे तो ये कहा जाता है कि वो उन्हें मना कर दिया जाता था उन्हें मना करा देते थे। ये वैसा ही है जैसे अगर कोई फ़कीर किसी महल में सुल्तान आली से मिलने जाए और वहाँ के सिपाही जो है उसे दरवाजे पर रोक दें उसी तरीके से किसी खानकाह में किसी दरवेश की खानकाह में कोई सुल्तान मिलने के लिए आए और वो खानकाह के दरवाजे जो हैं उसके उस सुल्तान के लिए बंद कर दिए जाएँ। एक वाक्या और मुझे जहन में आ रहा है कि अगर आप कभी सतपुला गए हैं तो सतपुला जो 14वीं सदी का एक डैम बना हुआ है तुगलकों के ज़माने का तो वहाँ से एक नहर जो है वो निकला करती थी जो आगे जो है जाकर मिल जाती थी जमुना में और ये कहा जाता है कि वो जो नहर का पानी है वो इसी खानकाह से होकर जो है वो गुजरा करता था और अक्सर हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग़ दहलवी जो है उस नहर के पानी से वज़ू किया करते थे। तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जब वो वज़ू किया करते थे तो उनकी तारी से जो है जब वो पानी टपका करता था तो फरिश्ते उठा उठा कर उसको आसमान की जानिब ले जाते थे। खैर बहरहाल
उस पानी को बड़ा पाक दर्जा जो है वो मिला है, और सभी मजहबों के लोग जो हैं इस नहर के पास इकट्ठा हुआ करते थे। एक मेला लगता था दिवाली से पहले या बाद में इसी के आसपास, और ये कहा जाता था कि लोग दूर दूर से आते थे और इस पानी को जो है अपने साथ ले जाते थे, और अक्सर इस पानी से नहाकर जो है वो उनकी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती थी। अब अफसोसनाक बात ये है कि वो जो नहर है वो अब नाला हो गई। जब 20वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली के बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतों को बचाने की कवायद शुरू हुई, तो उसमें जो है उस वो जो बांध है उसको भी बचाना था, तो उसके अंदर से जो पानी जा रहा था अंग्रेज़ों ने जो है उसका उसको मोड़ कर जो है उसके साइड से कर दिया। अब वो वहाँ से तो सूख गया है, वो बांध के अंदर तो पानी नहीं है, वहाँ तो सूख गया है, तो उसके साथ में जो है जो नहर वो हुआ करती थी अब वो नाले में तब्दील हो गई। तो बहरहाल जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ समझना है, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हमें रास्ते नहीं मिलते और बर्फ़ से सारे रास्ते ढक जाते हैं तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है, उसी तरीके से इस जगह में वो तासीर है जो सारे रास्तों को आपके सामने खोल कर रख देती है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर कभी यहाँ आएंगे तो नए वाक्य, नए तजुर्बे, नए किस्से जो हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे।